आज जब भारत में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा केसेस अब तक कोविड के हुए हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि उस 1 करोड़ में से 95,50,000 से ज़्यादा केसेस वो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं और भारत का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा 95.46% है। इस रिकवरी रेट को अगर हम आज 1 साल के बाद कंपेयर करें तो अमेरिका का रिकवरी रेट 58% है, इटली का रिकवरी रेट 63% है, रशिया का रिकवरी रेट 79% है और ब्राज़ील का रिकवरी रेट 86% है। हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा 95.46% है। हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर, हमारे हेल्थ के एक्सपर्ट्स ने मिलकर और उन्होंने सब जो वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम किया है, विज्ञान की जो रिसर्च पर काम किया है, जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम किया है, वायरस के आइसोलेशन पर काम किया है और आज हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमने भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर दिया है। वैक्सीन किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की हम स्थिति में होंगे।